हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और यहाँ पर हम इंटीजर्स को रिवाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा और यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। जब भी आप क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा नेगेटिव में ही आता है। जैसे यहाँ पर a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू, यानी कि पहले आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसके बाद नेगेटिव इंटीजर होगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर a आपका नेगेटिव हो और b आपका पॉजिटिव हो, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आता है, माइनस का साइन आपका बाहर आ जाता है और आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हमने समझा था कि लेट सपोज आपका जो ए इंटीजर है वो 3 है और दूसरा इंटीजर माइनस 4 है। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन बाहर ले लिया और 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ऐसे ही ए आपका नेगेटिव हो सकता है और बी आपका पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इसी पर बेस कुछ और एग्जाम्पल्स हम करेंगे, देन नेक्स्ट पर हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो इंटीजर हैं जिसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहां पर आपने थर्ड कोई एग्जांपल है, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका नेगेटिव है और यहां पर 5 आपका पॉजिटिव है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन, जैसे कि यहां पर आपने लिखा है, माइनस साइन आप बाहर ले लेंगे और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 35। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो देखिए, 8 पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस का 5 आपका क्या है, नेगेटिव का है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, देखिए माइनस साइन बाहर आएगा और 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, ये माइनस का 40। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा नेगेटिव में ही मिलता है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, चाहे आपका इंटीजर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव का। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। अब आपके पास अभी तक एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, अब आपके पास टू नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्ट क्या मिलता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। लेट सपोज ए आपका कोई नेगेटिव इंटीजर है, इसको आप किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, देखिए माइनस की जब आप मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं, तो हमने पहले भी बताया है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी या फिर ए बी वी, इसको आप लिख सकते हैं। तो जब भी दो नेगेटिव इंटीजर आपके पास होंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा नेगेटिव में ही मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा आपको नेगेटिव में ही मिलेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे यहां पर। लेट सपोज ए आपका क्या है, कोई नेगेटिव इंटीजर है माइनस 2 और बी आपके पास है माइनस 3। ठीक है,
तो दोनों को मल्टीप्लाई अप करेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, तो देखिए क्या होता है, दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे, यानी कि टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, नेगेटिव साइन आप यहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आपको पॉजिटिव साइन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, तो क्या आपको मिलेगा, 18 मिलेगा, या फिर इसको आप डायरेक्ट यहां से आंसर लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर भी लिख लेंगे 6, इसका भी आंसर आप लिख लेंगे 6, 18, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 8। ठीक है, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब आप क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स, इसके अलावा देखिए हम दो से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को जब क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट किस तरह का मिलता है। हम पहले यहाँ पर कोई नंबर नहीं ले रहे हैं, हम वन की, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई वन के साथ होती है, तो हमेशा वन ही आता है। ठीक है, तो देखिए हम साइन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो नेगेटिव, हमने यहाँ पर क्या कहा कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप देखिए, लेट सपोज वन माइनस का है और मल्टीप्लाई में माइनस का वन आ गया, तो हमने क्या कहा, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन, दैट मीन वन, पॉजिटिव नंबर आपको मिला, क्या मिला आपको, पॉजिटिव मिला। इसी प्रकार से अगर मैं वन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, थ्री टाइम्स इस थ्री इंटीजर्स को मैं क्या कर रही हूँ, आपस में इनको इनका प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए दो का तो हमें पता है, क्या करते हैं हम, आप क्या करते हो आप, ऐसा देखिए दो नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, देखिए वन वन जे वन और मल्टीप्लाई में माइनस का वन, और हम जानते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या देता है, हमेशा आपको नेगेटिव साइन देगा, यानी कि माइनस का वन यहाँ पर आपको मिलेगा, तो इसने क्या दिया, नेगेटिव साइन दिया। यहाँ पर क्या थे, थ्री इंटीजर थे, अब इसमें मैं फिर से चार इंटीजर यहाँ पर ले लूं, चार इंटीजर ले लूं, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए दो नेगेटिव की इन दोनों की पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन, कैसे, इन दोनों का पॉजिटिव मिलेगा और इन दोनों का भी पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव आपको क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, तो ये आपका पॉजिटिव है। एक केस और लेंगे और कुछ यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हम बड़े बड़े जो आपके पास नंबर होते हैं, सिर्फ साइन देखकर और उनको काउंट करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो साइन है, जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, वन टू थ्री फोर एंड वन माइनस वन। ठीक है, हमने यहाँ पर पांच नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पांच नेगेटिव इंटीजर्स को, तो देखिए क्या, कैसे आप करेंगे, इन दोनों की करेंगे तो ये दोनों आपस में पॉजिटिव साइन देंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इन दोनों की करेंगे तो ये आपको आपस में पॉजिटिव साइन देगा और ये छूट गया है, तो इसको आप इतना लिख लेंगे, पहले वन मल्टीप्लाई बाय वन और एक माइनस का साइन यहाँ पर आपका छूट जाता है, तो वन मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 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 आएगा, इसको आप वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, और हम जानते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या साइन देगा आपको, नेगेटिव साइन देगा, माइनस का वन यहाँ पर आपका आएगा, माइनस वन, दैट मीन्स आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन मिला। ठीक है, पांच केस हमने लिए, पहले केस में हमने क्या कहा कि आपके दो नेगेटिव इंटीजर थे, दो नेगेटिव इंटीजर थे,
दूसरे केस में देखिए। एक दो तीन चार, चलिए चार केस ले लिए हमने यहां पर, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां से हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जब आपने दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको एक पॉजिटिव साइन मिला, ठीक है। और टू क्या है, आपका इवन नंबर है, ठीक है। इसके बाद जब आपने तीन नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या साइन मिला, नेगेटिव का साइन मिला, और ये आपका क्या था, ये आपका इवन नंबर था, इवन नंबर। ये आपका इवन नंबर और ये आपका ऑड नंबर, यानी कि इसको आप सम संख्या कहेंगे, सम संख्या, ठीक है। और ये आपकी विषम संख्या। इसके बाद वन टू थ्री फोर, फोर का मतलब ये फिर से आपका इवन नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। और इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। फिर देखिए यहाँ पर पांच नंबर हैं, यानी कि ये नंबर आपका क्या है, ऑड है, और ये आपको फिर से नेगेटिव साइन दे रहा है, ठीक है। इस इन चार ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूजन पे निकले कि जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो आपके इवन होते हैं, यानी कि सम होंगे, तो वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव साइन देगा। यहाँ पर देखिए इवन नंबर, यानी कि यहाँ पर दो आपके क्या थे, नेगेटिव इंटीजर्स थे, तो आपको एक पॉजिटिव साइन मिला। इसके बाद हमने यहाँ पर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं को क्या किया, चार नेगेटिव, तीन नेगेटिव हमने विषम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव मिला। इसके बाद फिर से पॉजिटिव आया, क्यों आया, क्योंकि इवन नंबर था, इवन नंबर को हमने वन टू थ्री फोर, फोर क्या है, इवन नंबर है, तो चार इवन नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया वो भी माइनस के, नेगेटिव इंटीजर्स को, ठीक है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिला, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपके पास 10 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आपको कौन सा साइन मिलेगा, ठीक है। तो आप बिना कैलकुलेट किए ये बता सकते हैं, क्योंकि 10 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो उनका जो रिजल्ट मिलेगा जब आप 10 नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा हो सकता है आपको ये पूछे 177 नेगेटिव इंटीजर्स को आपने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, तो आप 117 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, आपको उस टाइम ये देखना है कि 117 आपका क्या है, इवन है या ऑड है, तो ये आपको कैसा साइन देगा, ये आपको नेगेटिव साइन देगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी आप नेगेटिव इंटीजर्स को, इवन नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलता है, और ऑड नेगेटिव इंटीजर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसमें देखिए कुछ एग्जांपल के ले लेंगे, लेट सपोज देखिए अभी तक तो हम 1 को कर रहे थे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का 4, तीन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो बिना आपको कुछ करे, क्योंकि ये क्या है, इवन है, ऑड है, ठीक है, ऑड नेगेटिव इंटीजर हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3, और 3 क्या है, ऑड है, यानी कि जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपको नेगेटिव में मिले। अब नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 और 12 2 24, माइनस 24,
-24। इसके अलावा जैसे हम करते थे, नेगेटिव नेगेटिव का आपका पॉजिटिव होता है, 2 3 6, और ये आपका पॉजिटिव का होगा और -4 इस तरह से किया जाएगा, और इसको आप क्या करेंगे -24। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीख लिया है कि दो इंटीजर्स या तीन इंटीजर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले केस में हमने क्या सीखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, दो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और दो से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो उसका साइन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब क्योंकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हम सेम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडिशन में हमने पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी क्लोजर अंडर एडिशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहली जो प्रॉपर्टी होगी आपकी इसमें क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फॉर इंटीजर। और लिखे या फिर ऑफ कर सकते हैं, ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। वहां हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के केस में हमने क्या कहा, दो इंटीजर को जब आप ऐड करते हैं क्लोजर लॉ के लिए, तो आगे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम होगा, यहाँ एडिशन था, यहाँ आप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी इंटीजर्स का ही मिलेगा, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको इंटीजर्स का ही मिलेगा, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू आपके पास इंटीजर्स मिलने वाला है, तो ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, 3 × 4 क्या मिले, 12 क्या है, एक इंटीजर है, एक इंटीजर्स है, ठीक है, 12 आपका इंटीजर है। इसके बाद -3 × 5 नेगेटिव इंटीजर ले लिया, इज इक्वल टू, क्योंकि हमने अब सीख लिया है कि दो नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए माइनस प्लस का माइनस होगा, रिजल्ट माइनस में मिलेगा, और 15, और 15 भी यहाँ पर आपका क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। हो सकता है दोनों ही नेगेटिव के हों, 2 × -3, ठीक है। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6 भी आपका क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, 6 भी आपका एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट भी आपका किसका होता है, इंटीजर्स का ही होता है।
फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एंड थर्ड। और मल्टीप्लीकेशन करना हमने पहले ही सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ क्या कह रहा है? कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ तो दूसरा लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन के केस में आपने क्या कहा कि जब आप क्या करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये किया था हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या आएगा, जहां एडिशन है वहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए किया जाएगा। तो ये इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो जब भी आप क्या करते हैं, दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। a बराबर आप 3 लिख लीजिए और b बराबर आप 5, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पर भी 15। इसके बाद दूसरा लेंगे, a बराबर आप कोई माइनस का इंटीजर ले लें, ठीक है, और b बराबर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें 5। तो आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए, ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें रखेंगे आप माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में मिलता है, तो आपको माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20 मिलेगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। जब आप a की मल्टीप्लाई b के साथ कर रहे हैं तो ये रिजल्ट जो है किसके इक्वल होगा, b की मल्टीप्लाई जब a के साथ भी करेंगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा आपको सेम मिलेगा। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको कह रही है अंडर मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो कॉपी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, ठीक है। तो यहां पर क्या रूल है, किसी भी इंटीजर को या किसी भी इंटीजर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जीरो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमेशा रिजल्ट आपको 0 मिलता है, ठीक है। तो ये है आपकी 0 प्रॉपर्टी। इसके लिए आप जैसे एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं कि जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3, आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके अलावा आपने 100 की मल्टीप्लाई कर दी 0 से, आपको क्या मिलेगा? या फिर 0 को 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो दोनों केस में आपको 0 ही मिलेगा। तो दुनिया का कोई भी आप इंटीजर ले लेंगे, जब भी आप इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा उस नंबर को 0 कर देगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 1000 या 10000 भी लें, इसकी मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये है आपकी 0 प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक हमने पढ़ा था इससे पहले, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में आपके पास क्या था, किसी भी इंटीजर ए में जब आप 0 को ऐड कर रहे थे तो वो आपका जो इंटीजर है वो मिल रहा था, या फिर 0 में आप किसी इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमने ऐड भी किया लेकिन इस ए ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, वो जैसा था वैसा ही रहा। तो ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर खुद नहीं रहेगा, ए को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ आइडेंटिटी 0 नहीं है, यहाँ पर क्या आपका आइडेंटिटी होगा, यहाँ आप जब भी किसी भी नंबर को किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, किसी इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यानी कि इस ए ने इस इंटीजर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, या फिर आप इसको 1 मल्टीप्लाई बाय ए भी लिख सकते हैं। तो ये है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं हम। जैसे मैंने किसी भी नंबर को, लेट सपोज यहाँ पे 34 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो मुझे 34 ही मिलेगा, ठीक है। या फिर 1 को मल्टीप्लाई 34 से किया तब भी आपको रिजल्ट 34 ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप किसी नेगेटिव नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको नेगेटिव वही नंबर सेम आपको मिल जाएगा जिससे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर -45 को आपने 1 को मल्टीप्लाई किया आपने -45, तो तब भी रिजल्ट आपको -45 ही मिलेगा। तो ये है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 0 क्या है, 0 इसकी मल्टीप्लिकेटिव क्या है, 0 इसकी क्या है, 0 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और 1 इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन के केस में आपकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आपकी 1 होगी, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आपकी 1 होगी, और एडिशन के केस में आपका 0 था, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देखेंगे एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। या फिर इसको आधा इसको लिख लेंगे, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख लेंगे MULT। इसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ MULT, ठीक है। तो आगे इसको आप लिख लेंगे ऊपर, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो हमने एक प्रॉपर्टी एडिशन में पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसके लिए हमने तीन इंटीजर लिए, उन तीन इंटीजर्स को आपने एड किया इस तरह से B+C। तो हमने यहाँ पर पहले दो नंबर की ग्रुपिंग करी थी और राइट हैंड साइड में A+B की हमने ग्रुपिंग करी और C को इसके साथ ऐड किया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही होता है, यहाँ पर भी आप तीन इंटीजर को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली लेफ्ट हैंड साइड में आपने B और C का ग्रुप बनाना है और राइट हैंड साइड में A×B×C, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन का केस था, ये हमने पढ़ लिया है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव के लिए है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन इंटीजर आपके होंगे, इन दो इंटीजर को आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड में इनकी ग्रुपिंग करी और राइट हैंड साइड में आप ए और बी की ग्रुपिंग करेंगे, तो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा। यहाँ पर आप A=3, B=4 और C=2 रखेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पढ़ी और कुछ जो आपके मल्टीप्लिकेशन था, दो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने सीखा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।